सभी के लिए नमो नमः। मैं यशोवर्धन प्रभाकर नारायण जानकी जमुना प्रसाद चौबे विगत 29 वर्ष से मैं तालाब के चकरा घाट पर इस तर्पण के सामूहिक कार्य को करवा रहा हूँ। देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, इन तीन ऋणों से पूर्णी होने के लिए अलग अलग मार्ग, रूप और समय कहा गया है। मास और तिथियाँ बताई हैं। इसमें ही पितृ पक्ष से संबंधित पितरों के ऋण से ऊर्णी होने के लिए भादों के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिवस, ये जो दिवस हैं इनमें पितरों से ऊर्णी होने के मार्ग को प्रशस्त करने वाले कार्यों को समाहित किया जाता है। जो जातक है, जिसने जन्म लिया है और जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव को समाहित करने के लिए उस साधक जो इन 15 दिनों में अपने पितरों की तृप्ति, भुक्ति, मुक्ति के लिए साधना करेगा, वह साधक, यह साधक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल तर्पण की तीन दिशाओं में पूर्व, उत्तर, दक्षिण और वापस पूर्व में आकर तर्पण को समाहित करता है। उसके बाद घर पर जाकर आटे के चरणों को मनाकर उनका पूजन करता है। 2 जोड़ी चरण बनते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री सूचक। इसके पश्चात भोजन के 4 भाग निकालना, गाय, कुत्ता, कौआ, कन्या के नाम से। इनके पश्चात अग्नि में 7 आहुतियाँ, 3 घी, 3 शक्कर, 1 गुड़ को समाहित करना और इस संपूर्ण कार्य को प्रमाणिकता देने के लिए एक तेल का दिया उजार कर दक्षिण की ओर रोज रखा जाता है, जो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट उजरता है। उसमें बढ़ते क्रम में तिल के दाने डाले जाते हैं। क्योंकि बुधवार को पूर्णिमा और परमा का संयुक्त श्राद्ध है, इसलिए उस दिन 2 तिल के दाने डाले जाएंगे और यह कार्य आरंभ किया जाता है। मार्तंड पुराण, प्रेत मंजरी, कुरूम पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, इन समस्त पुराणों का एक ही सार है कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी भुक्ति, मुक्ति, तृप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, निरोगी काया प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य में आयु वृद्धि प्राप्त करने के लिए, व्यापार व्यवसाय में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए यह दिवस समाहित किए गए हैं। इस वर्ष चकराघाट पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि मैंने विगत 3 वर्षों में यहां पर बहुत कठिन परिश्रम किया है। 2020 में कोविड के कारण सामूहिक तर्पण नहीं कर पाया, 21 में जलाशय तालाब में तर्पण में जल ना होने के कारण क्यारियाँ बनाई थी, 22 में भी क्यारियाँ बनाई, 23 में विगत वर्ष में यहाँ पर घाट का निर्माण हुआ था और इस वर्ष इस घाट का संपूर्ण निर्माण हो गया है। आप देख सकते हैं कि तालाब में स्वच्छ निर्मल जल है और पक्षी भी यहाँ पर कलरव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इस वर्ष का जो माह है वो 15 दिवस का है। पितृतर्पण के जो दिवस होते हैं वह क्रमशः 15, 16 और 17 होते हैं। जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है, अधिमास, उस वर्ष 17 मास के दिवस होते हैं, उससे क्रम में घटते हैं 16 और अब 15। क्योंकि ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं इनके समानुभाव को बनाने के लिए किया गया है, इसलिए यह पितृपक्ष के कार्य समाहित होते हैं और सभी सनातनियों के लिए संस्कारित होने का ये बहुत अच्छा अवसर है। जब देवताओं के लिए हम प्रणाम करते हैं, ऋषियों के लिए नमस्कार करते हैं और पितरों के लिए कृतज्ञता के भाव को इन दोनों हाथों से जल की जलांजलि, अक्षत माने चावल, यवा अर्थात जवा और तिल माने तिल की तिलांजलि को समाहित कर दाएं और बाएं हाथ को समाहित करते हुए प्रणाम करते हैं। नमस्कार।